अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? मैं देखो, ये एक नाजुक घड़ी है जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कोरोना वायरस के लिए कि आप लोग घर में बैठ के काम करें, तो इसका कोई मतलब है? अब घर में बैठ के काम करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी छुट्टी हो चुकी है। काम नहीं है तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे, कोई पिकनिक प्लान ना करें, कोई एक्टिविटी प्लान ना करें, कोई गेट टुगेदर प्लान ना करें, कुछ मूवीज़ के लिए प्लान ना करें और दूसरी चीज़ों के लिए भी प्लान ना करें जहाँ गेट टुगेदर ना हो। समझो, एक बहुत मुश्किल घड़ी है, सबको एक साथ में मिलके चलना है। और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने भी, उद्धव जी ठाकरे जी ने, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बताया है कि भाई ये एक जंग है और ये जंग को सबको मिलके साथ में चलना है। तो ये जंग में आप कैसे हिस्सेदार बनोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करें, हमेशा वार्म वाटर जो पानी है वो पिए, अपने बच्चों को भी इस चीज़ों से मतलब एहतियात बरके के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में वो भी ना आए। रीज़न क्या है संपर्क में ना आने का? मतलब खुदा ना खास्ता कभी कोई बंदे को हुई है और वो वहाँ से गुजरा है, या उसने भाई छींका है, या उसने कोई चीज़ स्टील की चीज़ों को हाथ लगाया, या वो आपके संपर्क में किसी न किसी तरीके से आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो इसे एहतियात बरत के अपने आप को संभालें। कुछ दिनों की बात है और ऊपर वाले से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चीज़ों से सबको निजात दिलाए, सबको शिफा दे, किसी को ये चीज़ हमारे पर हावी ना होए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल की घड़ी है, सबको मिल के साथ में चलना है। चाहे तुम कोई भी जात के हो, चाहे तुम कोई भी मज़हब के हो, चाहे कोई तुम कोई भी फिरके के हो, सबको मिल के साथ चलना और एक साथ में मिल के ये जंग लड़नी है। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, ज़रूरतमंद की मदद करना, अपने अम्मी अब्बा का फरमाबरदार बनो, अपना ख्याल रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।